बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वाइटी फैमिली, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आपकी दुआ से ठीक हैं। आज हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है इन दुआओं के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। यही हमारी दुआ है और हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। मैंने चाय का पानी चढ़ा दिया है और साथ साथ रोटी भी बनाऊंगी, क्योंकि हर रोज़ यही मसला होता है, गैस की परेशानी, गैस चला जाता है। रोटियां मैंने बना ली हैं और बेटे का टिफ़िन भी पैक कर लिया है। अस्सलामुअलैकुम। आज माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमेशा ऐसे खुश रखे। बिनिश अभी उठी है, अभी नाश्ता करेगी बिनिश, मेरी प्रिंसेस। अस्सलाम वालेकुम नहीं करोगी? और हमें भी गाँव में याद रखें, हमें भी गाँव में याद रखें, दुआओं में मेरी बेटी को सबको याद रखना है। मेरी बच्ची रोज़ याद दिलाती है आप सब बेटी फैमिली को कि मुझे भी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक अच्छी किस्मत बनाए और अच्छा नसीब बनाए, आमीन। रात नींद कैसे आई? अभी बहुत अच्छी नींद आई है। अच्छी नींद आई है माशाल्लाह। अकमल आप सुनाओ। हाँ बहुत ही अच्छी नींद आई है, सही सोयो? जी जी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक से याद दे इंशाल्लाह। वहाँ घर बैठ बैठ के ना काफ़ी बोर हो गए थे हम लोग। हाँ अकेले पड़े पड़े तो इंसान बोर हो ही जाता है ना, यहाँ आके जरा जहन हमारा फ्रेश हुआ है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक जल्दी से याद दे, आमीन। और हमेशा मैं इधर ही आके ठीक हुआ हूँ जब भी मैंने। तो बैठी फैमिली हम बना रहे हैं रोटियाँ लकड़ियों पे, बाकी जो होगा फिर आपसे शेयर करेंगे। लकड़ियाँ जो है ना रुला देती हैं रोटी बनाते बनाते, हाँ दिमाग भी खुल जाता है। चलो गैस इंतज़ार करने से अच्छा है कि बंदा लकड़ियाँ जला के रोटी बना ले। और ये देखिए जी हमारी दोपहर की चटनी, अभी चटनी के साथ खाना खाएंगे। माशाल्लाह तो जल्दी रोटी बनती है। और ये देखिए जी हमारी चटनी तैयार हो चुकी है, बस अभी खाने की देर है। पहले तो गैस नहीं थे, सब लकड़ियों पे ही काम करते थे, ये अभी गैस तो एक अजाब ही बन गया इंसान के लिए। वही लकड़ियाँ अच्छी हैं, हाँ पुराना जमाना फिर शुरू हो रहा है इस हुकूमत में। इस हुकूमत ने ना गरीब की हड्डियाँ पसलियाँ सब तोड़ फोड़ के रख दी है, आगे पता नहीं क्या होगा, ये हुकूमत क्या करेगी गरीब के साथ। जी मैं और जन्नत खाने लगे हैं खाना, कल आलू मेथी और पालक बनाया था और जन्नत ने चटनी भी बनाई है, चटनी तो मज़े की लग रही है। चले जी बिस्मिल्लाह पढ़ें। अच्छा जी मैं शाम की चाय बना रही हूँ। चाय बन जाए तो फिर पीते हैं शाम की चाय। चाय अच्छी तरह से उबल रही है।
चाय के साथ भी नहीं, चाय के साथ खाओ। ये चाय हमारी तैयार हो गई है, शाम की चाय। सिर्फ सुबह को हम नाश्ते में लेते हैं और शाम को। अच्छा बैठी फैमिली, आज जन्नत ने कड़ी बनवाई है, कहने लगी कि अकमल का दिल कर रहा है कड़ी खाने को, तो कहते हैं कि मज़े की बनी, अभी मैंने खाई नहीं है। करीम कैसे बनी है? अच्छा लग, बहुत अच्छी बनी है। अच्छी बनी है, अच्छा लग तो बहुत मज़े की रही है। चलो मैं भी खाती हूँ, खा के चेक करते हैं कैसे बनी है। अच्छा तो बैठी फैमिली, आज का व्लॉग यहाँ तक था, मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। और हमारी दुआ है आप जहाँ रहे हंसते मुस्कुराते रहें अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।